गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 1.2 सेकंड प्रश्नावली का अध्ययन करेंगे। कल हम लोगों ने पहला प्रश्नावली में क्रमी के रूप और आपका कार्य गुणनफल निकालने का तरीका सीखा था, है ना। आज हम लोग देखेंगे कि फलन क्या होता है, प्रतिचित्रण क्या होते हैं, प्रांत, परिसर, सह प्रांत क्या चीज होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। आगे कंपटीशन में ये वाला टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन में प्रांत परिसर से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। ट्वेल्थ में भी पहला ही चैप्टर में प्रांत परिसर के बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे, उसका और थोड़ा सा डिप्ली है प्रतिचित्रण का। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक दिया है प्रतिचित्रण में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फलन क्या होता है। ये जो फलन होता है आप लोग जानते हैं फंक्शन क्या होता है। इस फॉर्म में रहता है वाई बराबर एफ एक्स। कहने का मतलब यदि हम लोग एक चर के मान में परिवर्तन करते जाते हैं तो यदि दूसरा चर भी परिवर्तित हो जाता है, एक के मान में परिवर्तन करने पर दूसरा चर परिवर्तित हो जाता है तो वो क्या कहलाता है, एक फंक्शन यानी फलन कहलाता है। जैसे यहीं पर देखते हैं हम लोग एक्स की जगह अगर मैं यहाँ पे एक रखूंगा, है ना, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू मिलेगा वो मेरे को क्या मिलेगा, एक। अगर x की जगह दो रखूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, चार। तो y का वैल्यू कितना आएगा आपका, x की जगह, सॉरी इस फलन को थोड़ा सा किस प्रकार हम लोग ले लेते हैं, 3x-1। तो x की जगह अगर एक रखूंगा तो y का भी नया मान मिलेगा, क्या मिलेगा, दो मिलेगा। अगर x के जगह मैं 2 रखूंगा तो y का जो नया मान मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। अगर हम लोग x के जगह 3 लिखेंगे तो y का जो नया मान मिलेगा क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। मतलब एक चर के मान में परिवर्तित करने पर दूसरा चर अगर स्वतः ही परिवर्तित होता है तो ये क्या कहलाता है, आपका एक फलन कहलाता है। तो यहाँ पे भी फलन ही आपका क्या, प्रतिचित्रण है। फलन फंक्शन है प्रतिचित्रण। तो जो प्रतिचित्रण होता है उसको दर्शाते कैसे हैं, f such that a tends to b, इसको ऐसा पढ़ते हैं। f का जो प्रतिचित्रण है वो कैसे है, a से b की ओर बन रहा है ना, f का प्रतिचित्रण b एरो का पिन ऐसा रहता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, f का जो प्रतिचित्रण b से a पर है ना। प्रतिचित्रण मतलब उसका प्रतिबिंब जो है, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर x a का एलिमेंट है, a क्या है कोई समुच्चय है, b क्या है कोई दूसरा समुच्चय है, x a का एलिमेंट है, y क्या है b का एलिमेंट है, x के जगह मैं 1 2 3 रखा तो y का जो वैल्यू मिला था, मैं तो x के जगह 1 रखा था तो y का वैल्यू 2 मिला था, x के जगह 2 रखा था तो y का वैल्यू 5 मिला था, x के जगह 3 रखा था तो y का वैल्यू 8 मिला था। यहाँ कुछ एक्स्ट्रा मिल जाते हैं ना। तो मैं क्या कहता हूँ, एक कहाँ पे जाएगा, दो पे जाएगा। क्यों दो पे जाएगा, क्यों, क्योंकि x के जगह एक रखूंगा तो y का मान कितना मिला, दो। मतलब x का जो प्रतिबिंब है वो दो पे बनेगा, है ना। दो का प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, पांच पे बनेगा। तीन का कहाँ पे बनेगा, आठ पे बनेगा, है ना। मतलब इसका जो पूर्व प्रतिबिंब कहाँ है, दो का एक होगा। इसको ऐसे पढ़ते हैं, एक का प्रतिबिंब दो, दो का पांच, तीन का आठ, वो एक है फंक्शन है। और इसको उल्टा पढ़ते हैं, दो का पूर्व प्रतिबिंब एक, पांच का पूर्व प्रतिबिंब दो और आठ का पूर्व प्रतिबिंब तीन, क्योंकि उल्टा है। अगर हम दो में एक, पांच में दो और आठ में तीन हमें मिलेगा ना, ग्यारह यहाँ पे एक्स्ट्रा बचा है, वो कितना भी हो सकता है, वो एक्स्ट्रा शब्द का मतलब नहीं है। तो प्रतिचित्रण क्या है कि यदि किसी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव को एक नियम के द्वारा समुच्चय बी के किसी अवयव से संबंधित किया जाए तो यह नियम कहलाता है प्रतिचित्रण अथवा फलन। यदि ए समुच्चय ए के अवयव को समुच्चय बी के अवयव के द्वारा किसी भी नियम के द्वारा क्या करना, मिलाना, वो क्या कहलाता है आपका, प्रतिचित्रण कहलाता है, मैपिंग, है ना। तो इसमें क्या है, आप लोगों का ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे जो ए क्या पहला समुच्चय है और बी दूसरा समुच्चय है, तो जो पहले समुच्चय के प्रत्येक अवयव है एक दो तीन, ये क्या कहलाता है आप लोगों का, प्रांत कहलाता है। इसी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डोमेन कहा जाता है ना। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव क्या कहलाता है आप लोगों का, डोमेन यानी कि प्रांत कहलाता है ना। समुच्चय ए का क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है, क्योंकि
वो डोमेन होगा, है ना। ये क्या कहलाता है आपका, सह प्राण क्या कहलाता है, दूसरा समुच्चय का प्रत्येक अवयव। पहले समुच्चय का प्रत्येक अवयव प्राण कहलाता है, लेकिन ध्यान रखें कि पहले समुच्चय और दूसरे समुच्चय का जितना आपका प्रतिबिंब बनता है, जैसे एक दो है, दो पांच और तीन आठ, तो दूसरे समुच्चय का जितना प्रतिबिंब बनेगा पहले समुच्चय के, वो कहलाता है आप लोगों का परिसर। यहाँ पे 11 परिसर नहीं होगा, परिसर में क्या क्या आएगा, दो पांच और आठ, क्योंकि एक का प्रतिबिंब दो, दो का प्रतिबिंब पांच और तीन का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, आठ पे बनता है। तो हम परिसर किसको बोलेंगे, कि बी के सभी अवयव जो ए के प्रतिबिंब है, बी के वो सभी अवयव जो ए के प्रतिबिंब है, वो क्या कहलाएंगे आपका, परिसर कहलाएंगे। जो यहाँ पे छूटेंगे वो परिसर नहीं कहलाते हैं, ध्यान देंगे। तो किसी भी समुच्चय का पहला जितने भी अवयव रहेंगे सब प्रांत डोमेन में आएंगे, है ना, दूसरा वाला सब सह प्रांत रहेंगे वो डोमेन में आएंगे, और जितना यहाँ पे ओवरलैपिंग करते हैं, जैसे यहाँ पे है ना दो एक पे है, पाँच दो पे है, आठ तीन पे, ये सब आपका क्या कहलाते हैं, हम लोग का परिसर यानी कि रेंज कहलाते हैं। इस प्रकार हम लोगों को प्रांत परिसर और आप लोगों को सब प्रांत यानी कि डोमेन कोडोमेन और रेंज का कुछ आप लोगों को जरूर पता होगा। उसके बाद इसके जो आगे डिग्री है ना, इसके बहुत सारे प्रकार है, आच्छादक प्रतिचित्रण है ना, एक एक प्रतिचित्रण क्या होता है, अंताक्षेप, ये सब आपको 12th क्लास में जाके आगे पढ़ना है। इसके कुछ बेसिक प्रकार भी होते हैं, अचर फलन है, तत्सम फलन, बहुपद फलन, ये सब आप जानते हैं, परिमेय फलन, पी बाई क्यू के फॉर्म में रहता है ना, मापांक फलन रहता है, ठीक है, महत्तम गुणांक फलन। तो ये आपका सब कुछ बेसिकली चीज रहता है, जिसको हम लोग आगे जहाँ जरूरत होगा वहाँ पे आप लोग को बताएंगे। चलो घातांकीय फलन है ना, इस प्रकार सम और विषम फलन भी, यहाँ से एक आध दो क्वेश्चन बनाते हैं आप लोग का, तभी जाके कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो जब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन बनाते हैं उस बेस पे, तब हम लोग का कॉन्सेप्ट जो क्लियर हो जाते हैं। जैसे प्रांत और परिसर का एक आध दो क्वेश्चन बनाते हैं, जिससे कि आप लोग पीछे भी आप लोग बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो आप लोग डेली का काम डेली नहीं करते, और बाद में भी आप लोगों को मैथ्स हार्ड लगता है, मैथ्स का एक ही तरीका है उसको सरल बनाने का, डेली का काम डेली करना है और उसको बनाना है आप लोगों को, है ना। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है एफ एक्स, है ना, एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स माइनस 3 का प्रांत ज्ञात कीजिए, फलन दिया है एफ एक्स, है ना, उसका मान क्या है, 1/(x-3) का क्या निकालना है, प्रांत ज्ञात करना है, तो प्रांत निकालना है। तो ये सबसे पहले आपका दिया है fx बराबर, है ना, और ये जो आपका फलन है वो p / q के फॉर्म में है, तो पता है कि p / q जो भी q के फॉर्म में रहता है वहाँ पे q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है ना, तो जब 0 के बराबर नहीं होगा तो इसमें भी हम लोग यही लिखेंगे कि x-3 क्या होगा, 0 के बराबर नहीं हो सकता है ना। ये दिया गया फलन, यहाँ पे लिखेंगे कि जो दिया गया फलन है ना, दिया गया फलन में x-3 नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्यों होगा, क्योंकि नीचे 0 हो गया तो एक को 0 से भाग देंगे तो आना जो कि अनडिफाइंड होगा। दिया गया फलन में x-3 नॉट इक्वल टू 0 होगा, कहने का मतलब x-3 नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि x जो है नॉट इक्वल टू 3, मतलब कि 3 को छोड़ के बाकी किसी भी मान के लिए फलन क्या होगा, सही होगा। और आपको पता है कि आपको पहले बताया था n मतलब प्राकृतिक संख्या है ना, 1 से शुरू होता है अनंत, उसी प्रकार आपको मैं बताया था पूर्ण संख्या जिसमें 0 को भी लेते हैं, है ना, उसी प्रकार आपको बताया था मैं r क्या होता है आपका रियल नंबर जिसमें माइनस अनंत से क्या होता है प्लस अनंत तक के हर एक ले जाते हैं, तो इसमें x नॉट इक्वल टू 3 है, 3 को छोड़ के है तो ऋण चिन्ह भी ले सकते हैं, या फिर ऋण 1 भी ले सकते हैं, ऋण 2 ऋण 3 प्लस भी ले सकते हैं, है ना। तो इसका जब हम प्रांत निकालेंगे, इसका जो प्रांत मिलेगा वो क्या मिलेगा, ये एफ एक्स का जो प्रांत होगा वो आपको क्या मिलेगा, 3 को छोड़ के बाकी सब होगा, तो किसमें घटा देंगे, 3 को रियल नंबर में, हमेशा इसको सर्कुलाकार कोष्ठक में देना है ना। तो r में से 3 को हटाए, r मतलब
तीन को छोड़ के बाकी सब कुछ भी हो सकता है, माइनस टेन भी हो सकता है ना, माइनस फाइव माइनस टेन कुछ भी हो सकता है, बस तीन को लेना नहीं है। तो तीन को छोड़ के इसको पढ़ने का तरीका, तीन को छोड़ के कोई भी रियल नंबर जो है इस फलन के लिए सत्य हो, और इस फलन के लिए जो भी मान सत्य होगा सब उसके क्या कहलाते हैं, प्रांत। प्रांत मतलब हर एक चीज आएगा है ना, हर एक चीज, लेकिन जो संभव नहीं है उसको छोड़ना है। तो कौन सा संभव नहीं है, तो जहाँ भी बट्टे वाला क्वेश्चन रहेगा उसमें से जो नीचे वाला रहेगा फलन वो जीरो के बराबर नहीं हो सकता, और नीचे वाला जीरो के बराबर नहीं है तो एक्स माइनस बी भी जीरो के बराबर नहीं है। अगर एक्स माइनस बी जीरो के बराबर नहीं है तो एक्स जो है तीन के बराबर नहीं होगा, अगर एक्स जो है तीन के बराबर नहीं होगा तो हमारा प्रांत जो है आर में से आप लोग को तीन को निकाल देंगे, है ना। इस प्रकार आपका प्रांत का क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो ऐसे पहला प्रश्न का जितना है वो सब आप लोग को उसमें निकालना क्या है, प्रांत वाला निकालना है। बाकी क्वेश्चन का आपको एक हिंट भेजेंगे जिसको आप लोग को बनाना है, लेकिन आपका क्वेश्चन मान लो प्रांत के साथ साथ परिसर भी पूछ दिया है ना, प्रांत तो ठीक है पूछेगी, लेकिन अगर आप लोगों को परिसर पूछ दिया तो उसको कैसे बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का जो सेकेंड क्वेश्चन है उसमें क्या है, प्रांत और परिसर एक साथ आप लोग को पूछे ना, ये तो प्रांत हो गया, लेकिन अगर आप लोगों को साथ में परिसर भी पूछेगा तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है उसका तरीका हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में। तो सेकेंड क्वेश्चन को बनाते हैं, आप लोगों को प्रांत और एक बार कैसे निकालना है बन जाएगा, साथ साथ आप लोग को परिसर निकालने का क्वेश्चन भी बनेगा, है ना। तो आपको जो दूसरा का पहला क्वेश्चन है वो क्या है, एफ एक्स बराबर अंडर रूट क्या दिया है एक्स माइनस थ्री का क्या निकालना, आप लोगों को प्रांत और परिसर दोनों चीज आप लोगों को याद करना है ना। तो अंडर रूट एक्स माइनस थ्री का आप लोगों को प्रांत भी निकालना है और उसमें क्या निकालना है, परिसर भी याद करना है। तो पहले तो हम लोग प्रांत निकालते हैं ना, फिर उसके बाद आप लोग को बताऊंगा कि परिसर जो है कैसे निकाला जाता है ना। तो प्रांत के लिए सबसे पहला नाम क्या देखना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है ना, अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है ना, तो सबसे पहले इसको दिया है लिख लेते हैं ना, फिर इसके लिए लिखेंगे प्रांत के लिए, क्योंकि दो अलग अलग चीज निकालना है, देखा प्रांत के लिए, प्रांत के लिए ध्यान दें कि जितना भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन है, जितना भी अंडर रूट है, हर एक प्रश्न में बनाने का तरीका है, जितना भी अंडर रूट है बिना बट्टे वाला है ना, जितना भी बिना बट्टे वाला अंडर रूट है उसको प्रांत कैसे निकाला जाता है ध्यान देंगे उसमें, तो उसको एफ एक्स परिभाषित होगा, एफ एक्स तभी परिभाषित होगा, इसको लिखना है एफ एक्स तभी परिभाषित होगा जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। कब, जितने भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन है ऊपर तो बट्टा नहीं होना चाहिए ना, सिंपल जितने भी अंडर रूट वाला क्वेश्चन है हर एक को बनाने का तरीका यही है प्रांत के लिए, कि एफ एक्स तभी परिभाषित होगा जब एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वो जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा, है ना। यहाँ पे ऋणात्मक नहीं हो सकता है क्योंकि अंडर रूट में हम लोग ऋणात्मक मान नहीं पढ़ सकते हैं ना, इसका जो भी वैल्यू मिलेगा जीरो होना चाहिए या फिर ऋणात्मक होना चाहिए, क्योंकि अंडर रूट माइनस फाइव आप लोग नहीं निकाल सकते, अंडर रूट माइनस सिक्स को आप लोग नहीं निकाल सकते, है ना। इसीलिए इसका जो भी वैल्यू होता है अंडर रूट वाला क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए, इसके जीरो की शर्त होता है प्रांत निकालने का ध्यान देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे क्वेश्चन को हम फिर रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा एफ एक्स के जब अंडर रूट एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री, एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा इससे तीन से। तो आप लोगों को हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, यहाँ से क्या लिख सकते हैं एक्स तीन से कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, है ना। तीन से कहाँ तक जाएगा आप लोगों का, अनंत तक जाएगा। तो इसको हम लोग इसका जो प्रांत मिलेगा वो क्या हो जाएगा आपका तीन से अनंत, यहाँ से आपको ये आपका आंसर है प्रांत, ये क्या है बता रहा हूँ। आप लोग दो चीज पढ़े हम लोग, ये ओपन इंटरवल और एक बार पढ़ेंगे आप लोग क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल
संवृत अंतराल और विवृत अंतराल, विवृत अंतराल और संवृत अंतराल क्या होता है? तो अगर ओपन और क्लोज के नाम से जानते हो ना, आपका ज्यादा हो सकती है। ये जो ब्रैकेट रहता है इसके ओपन ब्रैकेट, इसको कहा जाता है हम लोगों का क्लोज ब्रैकेट, है ना। दोनों साइड से बंद है, ये अभी खुला है। इसके अंदर जैसे हम एक दो, जैसे यहाँ से हम लोग ऐसा लिखा है, यहाँ पे हम लोग एक और पांच नहीं, एक दो तीन लिखे हैं ना, छोटे ब्रैकेट में हमने एक दो तीन लिखे हैं, और बड़े ब्रैकेट में भी हम लोग क्या लिखे हैं, एक दो तीन लिखे हैं। इसमें से क्या आपको जो ओपन ब्रैकेट रहता है हम लोग उसमें संख्या को नहीं गिनते, जैसे शुरू वाला एक को नहीं लेंगे और तीन को नहीं लेंगे और किसको लेंगे, दो को लेंगे, जबकि क्लोज ब्रैकेट में एक दो तीन तीनों को गिना जाता है। मतलब अगर ऐसा कोष्टक होगा उसमें कुछ भी रहेगा उसको गिनना है, अगर हम लोग का कोष्टक छोटा कोष्टक रहेगा तो उसमें एक को गिनना नहीं है, ऐसे बाद में अगर बड़ा ब्रैकेट रहेगा क्लोज वाला तो उसको गिनना है, छोटा ब्रैकेट रहेगा तो उसको गिनना नहीं है। तो ओपन इंटरवल में शुरू और आखिर से हम जब नहीं गिनते हैं बीच वाले को लेते हैं, जबकि क्लोज इंटरवल में शुरू वाले को भी ले लिया जाता है और लास्ट वाले को भी लिया जाता है ना, जबकि क्लोज में क्या हो जाएगा सबको लिया जाता है। तो अगर आपका हाफ क्लोज और हाफ ओपन रहेगा तो ऐसे भी रहता है ना। इसको लिखने का तरीका क्या है, एक को नहीं गिनेंगे क्योंकि एक के सामने क्या है ना ओपन ब्रैकेट है, दो को गिनेंगे, तीन को भी गिनेंगे क्योंकि तीन किसके पास है, क्लोज ब्रैकेट के पास। अगर ऐसा रहता आप लोगों का तो उल्टा होता, एक को लेते दो को लेते तीन को लेते, तो जहाँ भी आपका क्लोज ब्रैकेट रहता है उसको गिना जाता है और ओपन ब्रैकेट को गिना नहीं जाता। तो यहाँ पे भी हम एल्गोरिथम लिखा हूँ, ध्यान से देखेंगे तीन के सामने में क्लोज ब्रैकेट दिया होता है, मतलब तीन को मेरे को गिनना है क्योंकि एक्स का जो मान है तीन के बराबर है या तीन से बड़ा है, तो तीन के बराबर होगा तो तीन को गिनना पड़ेगा। अनंत तक जाते हैं, अनंत को कभी भी नहीं लेते, इसीलिए इधर हमेशा अनंत में क्या लेते हैं ओपन ब्रैकेट के लगाते हैं। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, छोटा ब्रैकेट देते हैं तो चार से अनंत लिखते हैं, मतलब इसमें चार को नहीं गिना जाता और अनंत को भी नहीं गिनते है ना। तो आपको इसको लिखने का जो तरीका है ना बड़ा ब्रैकेट करने का, मतलब तीन को वहाँ पर गिना जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का प्रांत। परिसर निकालने का एक फॉर्मूला है ना, तो परिसर बहुत ही आसान है, आप लोग का हर एक परिसर निकालने का एक ही तरीका है, जो भी दिया रहेगा क्वेश्चन है ना, जो भी क्वेश्चन आप लोग का दिया रहेगा ना, तो परिसर में क्या करेंगे, सबसे पहले माना y इक्वल टू f x, मान लेना कि y बराबर क्या है, f x को फलन है, तो f x बराबर अंडर रूट कितना था, तो हम y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट x माइनस b, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे अंडर रूट हटाने के लिए क्या हो जाएगा y स्क्वायर x माइनस 3। अब क्या करना है, माइनस 3 y स्क्वायर प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा x, x बराबर क्या हो जाएगा आपको y स्क्वायर प्लस 3 मिला। मतलब y बराबर सबसे पहले f x लेंगे परिसर में, f x के वैल्यू को पुट कर लेंगे, पुट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे वहां से x के वैल्यू आपको तो निकालना है, तो y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू x है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जितना भी रूट वाला क्वेश्चन होता है तो रूट वाला क्वेश्चन सॉल्व क्या होता है, क्योंकि अंडर रूट x माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना, मतलब हमारे जो अंडर रूट f(x) का जो भी वैल्यू था है ना वो क्या था आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था है ना। तो यहां से fy का वैल्यू भी क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर f(x) ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है fy भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा रूट के लिए, तो यहां से क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब कि y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 है ना। तो यहां से क्या मिलेगा y स्क्वायर ये y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट माइनस 3, तो उसको नहीं लिखते हैं ना, y स्क्वायर क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस 3 मिलेगा। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम लोग का सॉल्व किया है y स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3, आप लोग का थोड़ा सा सॉल्व को बदलना है, यहाँ थोड़ा सा इतना लंबा को बनाना नहीं है, सिंपल है, इतना मिलने के बाद आपको पता है कि यहाँ से देखना तो डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है x का मान किससे बड़ा है किसके बराबर है 3, तो जब चूंकि ब्रांच से x का मान 3 से
बड़ा या बराबर है? कहां से है? प्रांत से। तो जब x का मान बड़ा या बराबर है 3 का, तो y स्क्वायर प्लस 3 का मान भी क्या होगा? बड़ा या बराबर होगा 3 से, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। 3 उधर जाएगा क्या हो जाएगा आपका? 0 हो गया। मतलब कि y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y का जो मान है 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, कहां तक जाएगा? अनंत तक। तो ये क्या हो जाएगा आपका? परिसर। परिसर मिलेगा वो क्या हो जाएगा? 0 से अनंत। ये आपका आंसर हो गया। ध्यान देंगे जितना भी क्वेश्चन है परिसर को y बराबर x लेंगे, या x से जो भी प्रश्न को मान दिया रखेंगे, वहां से किसका मान निकालेंगे? x का मान। यहां यहां तक सेम बनाना है। उसके बाद प्रांत पे आ जाना रूल वाले क्वेश्चन में। प्रांत में क्या है? x का मान बड़ा या बराबर है 3 से, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। बल्कि आपको प्रश्न केवल एक और दो कि प्रांत और परिसर कैसे निकालते हैं उतने को ही बनाना है। बाकी क्वेश्चन आप लोग को हिंट के लिए भेजा जाएगा, कोशिश करना। ही थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन कोशिश करोगे तो आसान है। और आपको को हर एक क्वेश्चन को बनाना है, थोड़ा समझना है लिखने का तरीका को, है ना। आप लोग आराम से, इसीलिए सिर्फ पहले दिन में 2 ही क्वेश्चन बनाना है, या से ज़्यादा 10 क्वेश्चन होगा आराम से बना सकते हैं। धीरे धीरे बनाएंगे, समझ के बनाना, जो भी डाउट होगा पूछेंगे। धन्यवाद। और जो नहीं भी बना रहे हैं, अगर नहीं बनाएंगे तो बाद में आप लोग का डाउट होगा तो नहीं बताया जाएगा, तो आप लोग भी बनाना है।